तो हम लोग चल चुके हैं मुक्तिनाथ पे, जो जो पॉइंट्स हैं उन्हें देखने के लिए। एंड फर्स्ट पॉइंट हम लोग जा रहे हैं जॉमसन, उसके अराउंड 2-3 पॉइंट हमारे कवर हो जाएंगे, जिसमें आपका थुम्बा लेक है जो माउंट नीलगिरी के नीचे है, और जॉमसन व्यू टावर है जहाँ से माउंट नीलगिरी और एक दो और माउंटेन्स का बहुत अच्छा व्यू आता है। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं, अराउंड 40-45 मिनट्स का रास्ता है, सो लेट्स गो। राइट जाना है ना? पूछ लो। ओके हाँ, खिलौना है ना? क्या लेकर आए? सब फेल है पल्सर के आगे। पल्सर पल्सर का मन। What a view! यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ट्रैकिंग पॉइंट्स भी हैं, हमने पता किया, जिसमें आपका अन्नपूर्णा सर्किट है, आप अन्नपूर्णा बेस कैंप जा सकते हैं। बट सारे ट्रैकिंग हैं और मिनिमम 4-5 डेज के हैं, तो हाँ इतना टाइम हमारे पास है नहीं। दिल तो बहुत है हमारा अन्नपूर्णा माउंटेन देखने का, बट उसके लिए टाइम निकाल के आना पड़ेगा कभी। पॉइंट्स जो भी हो, बट जो मज़ा आपको रास्ते में मिलेगा, जो व्यूज़ आपको रास्ते में मिलेंगे, वो कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए बोलते हैं कि रास्ता ही मंजिल है। इसीलिए हम लोग बाइक से ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि आप कार से या बस से आएंगे तो आधे टाइम तो आपकी तबीयत ही ख़राब रहेगी और वो आप मज़ा ले ही नहीं पाएंगे। जो हम व्यूज़ देख रहे हैं वो सिर्फ बाइकर्स ले सकते हैं, या फिर जो ट्रैकिंग करने वाले होते हैं वो ले सकते हैं। इसीलिए हम लोगों का स्लोगन है हमारे ग्रुप का, वेयर द रोड एंड्स द रियल जर्नी बिगन्स। अरे बदल दिया। और यहाँ पे हम लोग मार्केट भी जाएंगे, थोड़ा बहुत हमने पता किया है, तो यहाँ पे याक वूल का बहुत अच्छे शॉल मिल जाते हैं, और कैप मिल जाते हैं विंटर क्लोथ्स में, और पश्मीना शॉल जो होती है वो यहाँ पे काफ़ी चीप मिल जाएगी। राइट साइड में आप देख सकते हैं, क्या कवर करूं, तू मुझे गिरा देगा, ये याक जा रहा है। अभी मैं नीचे गिर जाता याक के चक्कर में ये। अरे उधर उतर जाता मैं साइड में। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो कोल्ड डेजर्ट कह सकते हैं आप इसे। अभी तो आपको ऊपर ऊपर बर्फ़ दिख रही है, बट जहाँ यहाँ लोकल के जो लोग हैं उन्होंने हमें बताया कि अभी एक हफ्ते पहले तक पूरा ये जो नीचे एरिया है यहाँ भी सब बर्फ़ बर्फ़ थी। अभी थोड़ा गर्मी है, तो गर्मी में अराउंड यहाँ टेम्परेचर रहता है 4-5 डिग्री। और मेरे सामने निज़ाम अली जा रहे हैं, आप इनके पैर देख सकते हैं, पूरा राइड का मज़ा लेते हुए जा रहे हैं।
कोई भी नहीं, कमी नहीं चाहिए, पूरा व्यूज इधर उधर जो भी है आनंद लेते हुए। हम लोग पहुंचने वाले हैं थुम्बा लेक, तो हम अभी आए हैं मुक्तिनाथ से। कितना किलोमीटर दूर निज़ाम? अबाउट 18 to 20 किलोमीटर, तो हमें लगा है 30 to 40 मिनट्स। हाँ, जॉनसन से आपका ये 3.5 किलोमीटर है। और ये ख़तरनाक सा कोई माउंटेन दिख रहा है, शायद नीलगिरी है। इसी के कहीं आसपास हमें थुम्बा लेक मिलने वाली है। लेट्स सी कितनी दूर है, मेरे ख्याल से तो आ गया हम। यहाँ पे लिखा है थुम्बा लेक दिस वे, तो मतलब यहीं कहीं आसपास है। हाँ, लोकल से पूछ लेते हैं। इधर ही है मेरा, पहाड़ के नीचे ही जाना है। ये भी है यहाँ पे क्या, स्नो लेपर्ड केव? जाना पड़ेगा यार यहाँ तो। हाँ, ये बिल्कुल खतरनाक ऑफ रोड होता हुआ, निज़ाम वाली लीड करते हुए। ये राइट, प्योर राइट, लेफ्ट में कुछ नहीं है, नीचे मौत इंतज़ार कर रही है। यार यहाँ तो एक भी इंसान नहीं दिख रहा है, ऊपर से स्नो लेपर्ड भी आ सकता है। बिल्कुल आराम से चलें, दोनों ब्रेक का यूज़ करते हुए। यहाँ चिड़िया को उड़ने की ज़रूरत नहीं है, इतनी तेज़ हवा अपने आप ही उड़ रही हैं, पंख फैलाना है बस। एक इंसान फाइनली, पता नहीं इंसान है कि हैवान है। घूम के राइट, बिल्कुल स्टीप स्टीप यहाँ पे फॉल है। हाँ चलो आराम से उतारो, यहाँ चढ़ाने में असली मजा आएगा, उतार तो लेंगे ही। ऐसी जगह आने से पहले आप जो बाइक यूज़ करने वाले हैं, इसलिए ख़ास ख्याल रखें कि पावरफुल होना चाहिए। इतनी चढ़ाई पे एटलीस्ट 180 to 200 cc का इंजन हो मेरे वहाँ। इस साइड थुम्बा लेक, हाँ मतलब उस साइड हमें ब्रिज क्रॉस करके जाना है। तीन राइडर दिखते थे हमें। ओह माय गॉड, आराम से। हाँ, ओह फाइनली हम आ चुके हैं।